Hello everyone, I'm Roshni, HR Manager at Aircruise Aviation Private Limited. Today I'm going to share you some few information about career options after BBA BCom, that is after graduation. So I'm going to share my screen now. I hope you are able to see my screen, and here we start. Career options post BBA BCom by me, that is Roshni Maji from Aircruise Aviation Private Limited. This is my introduction, that is Roshni Maji, HR Manager at Aircruise Aviation Private Limited. Today's content are: what is BBA BCom? Definition, scope of BBA BCom in India and international, job opportunities after graduation in India, higher studies and courses after graduation. अब हम जानते हैं कि BBA और BCom actually है क्या. First, BBA. BBA या फिर Bachelor's of Business Administration एक bachelor's degree है in business administration, जो कि undergraduate business management course है. ये course 3 साल का होता है. Again, BCom और बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, ये भी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है. बीकॉम के अंडर 3 मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज अवेलेबल हैं, नेमली बीकॉम, बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम एलएलबी. द मेन डिफरेंस, द मोस्ट मेन डिफरेंस बिटवीन बीबीए एंड बीकॉम ये रहे, बीबीए एक मैनेजर कोर्स है एंड बीकॉम एक फाइनेंशियल कोर्स है. BBA combination of theory and practical है, whereas BCom mostly theory based है. BBA business based course है और BCom number based course, that is accountancy, finance, ये सब पे based पे ये BBA BCom course है. BBA modern course है और BCom conventional course है. BBA develop management and leadership skill develop करता है और BCom focuses mainly on monetary skills. BBA में हम consist of classical and contemporary knowledge और BCom में it consist of mainly of foundation courses of commerce. So this is the main difference between BBA and BCom. Now अब हम जान लिए हैं कि BBA और BCom क्या है, तो the next question comes in our mind that which is the most having more scope. सबसे ज़्यादा स्कोप किस में है, BBA या BCom में. सो लेट्स अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ BBA और BCom. BBA ग्रेजुएट्स जॉब के लिए लुक कर सकते हैं इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी भी कंपनी में एज मैनेजमेंट ट्रेनीज. और BBA डिग्री अलॉन्ग विथ सम फ्यू एक्सपीरियंस के साथ अगर आप BBA करें तो आपको श्योरली आप लीडरशिप पोजिशन में पा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. Whereas BCom में job opportunities are also available. Job programs for BCom graduates exist in India as well as abroad. BBA complete होने के बाद you can apply in any organization for the post of accountant. हर organization में accountant की ज़रूरत होती है, तो you can offer that also. Now, what are the job opportunities? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है BBA BCom करने के बाद. इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस, इफ यू डोंट वॉन्ट टू जॉइन एनी फैमिली बिजनेस, यू कैन ऑफ फॉर जॉब. सो जॉब अपॉर्चुनिटीज BBA होल्डर्स के लिए है. द कोर्स हैज अ वाइड स्कोप. स्कोप हमने पहले जान लिया है BBA के क्या होते हैं. अब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे. तो ये सब पोस्ट हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं BBA करने के बाद. द फर्स्ट वन इज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेकेंड इज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज सेल्स एग्जीक्यूटिव, फोर्थ इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फिफ्थ इज मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी और भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज. जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर BCom होल्डर,
बीकॉम होल्डर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इंडिया एज वेल एज अब्रॉड. सम पोस्ट फॉर बीकॉम होल्डर्स आर मेंशन बिलो. फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटर, गवर्नमेंट जॉब्स, और भी बहुत पोजीशंस हैं एक्सेट्रा. दिस आर द करियर ऑप्शंस जो आप बीबीए या बीकॉम करने के बाद कर सकते हैं. बीकॉम में पहले हम देखेंगे, फर्स्ट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट ऑडिट करते हैं और डील विथ टैक्सेशन, फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंट्स एक्सेट्रा. कंपनी सेक्रेटरी जो मैनेजर्स डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी. द थर्ड इज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यूजुअली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट डील्स विथ बजटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बीबीए में ऑप्ट कर सकते हैं ऑपरेशन टीम लीड दैट मैनेजेस एंड डील विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो कि न्यू रिक्रूटर्स को हैंडल करते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट्स जो भी कंपनी लेती है उनको मैनेज करती है और क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड द कंपनी स्टाफ. एंड सॉल्यूशन एप्लीकेशन प्रोडक्ट कंसल्टेंट. हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये जान लिया है कि बीबीए बीकॉम क्या होते हैं, उनके स्कोप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है. अब हम जानेंगे कि बीबीए बीकॉम करने के बाद या आइदर अ पर्सन ऑफ फॉर अ जॉब और आइदर फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर खुद के स्टार्टअप्स हम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर गो फॉर हायर स्टडीज. अब हम जानेंगे कि बीबीए बीकॉम करने के बाद कौन से हायर स्टडीज हम ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं. कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन दैट इज आफ्टर बीबीए. स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द बीबीए, द क्वेश्चन कम्स, क्वेश्चन आता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना चाहिए इसके बाद. सो द डिफरेंट बिटवीन अ गुड करियर एंड अ ग्रेट वन. बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम बीबीए के बाद कर सकते हैं. सम कोर्सेज आर बीन लिस्टेड बिलो. द फर्स्ट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एमबीए, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दैट इज एमएमएस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट दैट इज पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट दैट इज पीजीपीएम, बैचलर्स ऑफ लॉ दैट इज एलएलबी, Chartered Accountant, CA, PGD in Banking, and many more. This is a simple chart that describes that what can you do after BBA. First one comes in our mind is business. You can either start your business or you can join your family business. The operation which you can do is manufacturing, service sector, and trading. The second option comes is job and marketing, customer relationship, and many more that I have discussed in previous slides. The third one comes is jobs in banking and insurance sector. Fourth is MBA, MMS, MCM, that is Uchcha Shikshan, higher studies. You can do higher studies in operation management, material management, supply chain management, HR, finance, teaching, international business, and foreign trade. The fourth option is PGDMB, that is diploma courses after graduation. Courses after graduation, that is BCom. बहुत सारे courses available हैं BCom के बाद भी. Some offer job and some go for higher studies. So after this, there are some of the courses which is listed below, which you can opt for after BCom. The first one is Masters of Commerce, that is MCom, Masters of Business Administration, that is MBA, Chartered Accountancy, Company Secretary, Chartered Financial Analyst, Business Accounting and Taxation,
सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनी मोर कोर्सेज अवेलेबल विच यू कैन डू आफ्टर बीकॉम. दिस इज द करियर एंड कोर्सेज पाथ आफ्टर बीकॉम. फर्स्ट इज टीचिंग एंड एकेडमिक्स, एनालिटिक्स, मैनेजमेंट, लॉ, प्रोफेशनल कोर्सेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी और एंटरप्रेन्योरशिप. अगेन आई एम रोशनी माझी, एचआर मैनेजर एट एक्रूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.